दुर्गालाल जी की बात भूल जाओ, घनश्याम जी जरा कल्पना कर सकते थे कि जिन लोगों के हाथों में जिस तरीके से बहन भाई के कलाई पर रक्षा बंधन की पवित्र धाग बांधती है, उसी तरह 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के कलाई पे भी रक्षा का पवित्र बंधन बांधती है। और वही भाई, वही रक्षक आज मेरे और आपके मध्य प्रदेश में भक्षक बन गया। हमने सुनी है कहानी, हमने आंखों से देखी है, जब चंबल संभाग में डकैत होते थे और डकैतों की गोली से आम गांव की जनता को भुना गया था, लेकिन ये स्थिति जहां सरकार जिसके हाथों में औजार हमने दिए हैं, वही सरकार वही औजार लेकर मेरे घनश्याम को, मेरे अभिषेक को, मेरे सत्यनारायण को, मेरे पूनम चंद को गोली से भून कर छोड़ दे, क्या यह कल्पना हमने की थी? और मैंने कल कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर सिंधिया परिवार का मुखिया मुख्यमंत्री होता, मैं आकर दुर्गालाल जी और रेखा जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता। वो मुझे माफ करते या ना करते, लेकिन मेरी सरकार से गलती हुई है। मैं उस सरकार का मुखिया अगर होता, मैं पैर पड़ के मैं माफी मांगता। वो मेरा धर्म होता, वो मेरा राजधर्म बनता, ये नहीं कि मैं दुर्गालाल जी के यहां आऊं, मैं रेखा जी के यहां जाऊं और ढाढ़स बढ़ाने के लिए मैं उनके हाथ में 1 करोड़ का चेक थमाऊं। क्या व्यापार कर रहा हूं मैं? जीवन का, दान का, जीवन दान करने का हक केवल एक व्यक्ति का होता है और वो पर्वतकार का होता है। सरकार लगाए घनश्याम के छाती पर गोली और मेरा मुख्यमंत्री लगाए घनश्याम की जिंदगी पर बोली। गर्व है मुझे, महिलाओं की बात की जाती है इस मध्य प्रदेश में, मुझे गर्व है उस महिला कन्हैयालाल जी की पत्नी पर कि जब मेरा मुख्यमंत्री मिलने को गया और बोला वो असंवेदनशील व्यक्ति बोला जिसके दिल में हृदय नहीं है, मैं तो मानता हूं उसके दिल में पत्थर है, पत्थर। बोला कन्हैयालाल जी की पत्नी को ये लो 1 करोड़ रुपए का चेक,
कन्हैया लाल की पत्नी घूम के बोली मेरे मुख्यमंत्री को कि अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, मैं 2 करोड़ रुपए इकट्ठी करूंगी, मेरा कन्हैया लाल मुझे वापस दे दो। कहां गई मानवता भाई, कहां गई इंसानियत? आज मेरे 6 के 6 किसान शहीद हुए हैं और घनश्याम को गोली से नहीं मारा, उसको तो थाने के अंदर पीट पीट के उसके अंदर से जान निकाली है शासन ने। अगर पुलिस ये करेगा, अगर हवलदार ये करेगा, तो मध्य प्रदेश में डकैतों की जरूरत नहीं है। और इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे चारों जाबाज कार्यकर्ताओं को, समंदर पटेल को, ईश्वर धाकड़ को, अर्जुन धाकड़ को, भगवती को, जिन्होंने सरकार के साथ लड़ाई लड़ी ताकि घनश्याम धाकड़ का नाम भी जैन आयोग के कमीशन की तहकीकात में शामिल हो पाए। क्या मतलब, इस जैन आयोग का रिपोर्ट का? शासक की जिम्मेदारी होती है कि शासक के कार्यकाल में अगर कोई गलत काम हो तो सजा दी जाए, है कि नहीं? बोलो बोलो, कोई गलत काम करे तो सजा दी जाए। पर ये नाटक देखो, जैन कमीशन का रिपोर्ट हमारे लड़ाई लड़ने से राहुल गांधी की मंदसौर की सभा के बाद ही सार्वजनिक किया गया और सारे लोगों को सफाई दी दी और उनको वापस पोस्टिंग पे लगाया दिया गया। आज मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सब के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस इसमें जुर्मकारी नहीं है, अगर कलेक्टर और प्रशासन जुर्मकारी नहीं है, तो मैं मानता हूं कि कोई और नहीं, लेकिन इसमें शिवराज सिंह जी के हाथ स्वयं खूब के रंगे हुए हैं। ये छोटी बच्ची हिमांशी आज चल पा रही है, जब इसका पिता का साया इसके सिर से उठ गया था तो मैंने की थी, 2 महीने। दो महीने के बच्चे के सिर से शिवराज सिंह जी ने साया छीना है, ये याद रखना मेरे भाई और बहनों। दुर्गालाल जी मेरे साथ खड़े हैं, मैंने इनको कहा था कि आप जब भी तय करना सिंधिया परिवार के मुखिया को एक बुलावा देना
ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी सेवा में हाजिर होगा। 6 जून मंदसौर की सभा में मैं मिला था तीसरी बार इनसे। मैंने रेखा जी को कहा था और आज मैं आपको संकल्प देता हूं इस भारी भीड़ के सामने हमारी कांग्रेस की सरकार नवंबर में जब आएगी आप लोगों को जब तक न्याय मैं नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। ये घनश्याम धाकर के परिवार के साथ नहीं हुआ है, ये पूनम चंद के परिवार के साथ नहीं हुआ है, ये अभिषेक के परिवार के साथ नहीं हुआ है, ये चैन सिंह के परिवार के साथ नहीं हुआ है, ये सत्यनारायण जी के परिवार के साथ नहीं हुआ है। ये घटना सिंधिया परिवार के सदस्यों के साथ हुआ है। मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। मैं